गोरखपुर में आज रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे विद्युत कर्मचारी। राज्य कर्मचारी विद्युत परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने दिया जानकारी। फरुखाबाद में बारात में पत्नी के प्रेमी ने युवक को मारपीट कर किया लहूलुहान। पुरानी रंजिश में दबंग युवक ने साथियों के साथ घटना को दिया अंजाम। अलीगढ़ में पुलिस के उच्च अधिकारियों की हिमाकत का हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। अधिकारियों के कानों पर नहीं जू तक नहीं रेंग रही है। जिलाधिकारी ने लिया है मामले का जायजा। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। रेप पीड़िता ने बच्चे को दिया है जन्म। फतेहपुर में रेप पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के 24 घंटे बाद शिशु की हुई थी मौत। 8 माह पहले गांव के ही युवक ने किया था दुष्कर्म। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया था गिरफ्तार। प्रयागराज में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया अंजाम। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की है जांच पड़ताल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। मिर्जापुर में आशा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर किया है विरोध प्रदर्शन। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। जिलाधिकारी को सौंपा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन। रायबरेली जिला अस्पताल में आग लगने से मची अफरा तफरी। वार्ड नंबर 3 में आग लगते ही मरीजों और तीमारदारों में मची भगदड़। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। मिर्जापुर में अपनी 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। मिर्जापुर के विध्यांचल थाना क्षेत्र के बैसपुर गांव में गैस रिसाव के चलते घर में लगी आग। आग लगने के बाद सिलेंडर छत तोड़कर करीब 50 फीट दूर खेत में गिरा और हुआ ब्लास्ट। गोंडा के करनेलगंज विधानसभा के डोमाकल्पी में राज्य विश्वविद्यालय का होगा यह निर्माण। गोंडा में बनेगा राज्य विश्वविद्यालय। अवैध निर्माण पर गर्जा है बाबा का बिल्डोजर। कार्रवाई होते हुए मची भगदड़। बांदा में अवैध निर्माण पर गर्जा है बाबा का बिल्डोजर। बीडीए से नक्शा पास न होने पर कुछ दिनों पहले जारी हुआ था नोटिस। मिर्जापुर डिपो की बस के खराब होने और यात्रियों ने लगाया धक्का। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्वीट कर इसको वायरल कर दिया। महोबा में विद्युत हड़ताल पर डीएम की दिखी है सख्ती। 5 संविदा विद्युत कर्मियों पर हुई यह कार्रवाई। संबंधित कंपनी को काली सूची में डालने के भी निर्देश दिए गए। हरदोई में मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा धरना प्रदर्शन। मजिस्ट्रेट को सौंपा गया 153। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी। अपनी मांगों को लेकर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। कोल्ड स्टोर गिरने से हुआ बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोर गिरते ही मची है भगदड़। कानपुर में यह घटना सामने आई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पुलिस ने शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कार की छत पर बैठकर युवाओं ने की है मस्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने की है कार्रवाई। 5 शातिर चोरों को भेजा गया सलाखों के पीछे। पुलिस कर रही है पूछताछ। हड़ताल से जनजीवन हुआ है अस्त व्यस्त। कामकाज हुए ठप। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। गल्ला दुकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें। दुकानदारों में मची भगदड़। तीसरे दिन भी विद्युत कर्मियों का धरना लगातार जारी। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं विद्युत कर्मचारी। व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पैनल ने ली है शपथ। कार्यक्रम का किया गया था आयोजन।